सुरक्षा की दृष्टि से नगर क्षेत्र में लगवाएंगे सीसीटीवी कैमरे। नगर पंचायत को स्मार्ट बनाना मुख्य लक्ष्य। नगर निकाय चुनाव के लिए 11 मई को मतदान होना है। ऐसे में सभी पार्टियां जनता का समर्थन जुटाने में लगी हैं, जिससे वे अध्यक्ष की कुर्सी पर काबिज हो सके। जिला बरेली के नगर पंचायत फतेहगंज पश्चिमी के निर्दलीय प्रत्याशी जयंती सिंह के पति संजय चौहान ने बताया कि यदि जनता उनकी पत्नी को मौका देती है तो वह नगर पंचायत में सबसे पहले सीको वाली गली में जल भराव की समस्या को दूर कराएंगे। विकास का खाका तैयार कर लिया गया है, पात्र लोगों को आवास नहीं मिल पाए हैं, उन्हें आवास दिलवाए जाएंगे, पेंशन आवास आदि की व्यवस्था कराई जाएगी। नगर क्षेत्र में प्राथमिकता के आधार पर सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी कैमरे लगवाए जाएंगे। कस्बे के जर्जर हो चुके तालाबों, रोडों तथा पार्कों का सौंदर्यीकरण कराया जाएगा। इसके अलावा कस्बे में सीसीटीवी कैमरे भी लगवाए जाएंगे, जिससे कस्बे की सुरक्षा हो सके। बता दें कि इस सीट पर कड़ा मुकाबला निर्दलीय प्रत्याशी से है। क्या नाम है आपका? संजय चौहान जी। नगर पंचायत फतेहगंज पश्चिमी से आपकी पत्नी जयंती सिंह चेयरमैन पद के लिए चुनाव मैदान में है, तो क्या क्या विकास के मुद्दे लेकर चुनाव मैदान में है? मेरी पत्नी जयंती सिंह, इनका चुनाव चिन्ह पहिया है, हम लोग चुनाव मैदान में हैं और जनता के विश्वास को जीतने के लिए, उनका मन जीतने के लिए चुनाव मैदान में हैं। और जितने भी समस्याएं हैं, चाहे वो सड़क की समस्या हो, नाली की समस्या हो, फतेहगंज पश्चिमी की मुख्य समस्या दो तीन है, सीको वाली गली में जल भराव हो, इस तरह की कई ऐसी समस्याएं हैं जिनका निदान पिछले जितने भी चेयरमैन रहे हैं वो कभी नहीं कर पाए। और हमारा फोकस सबसे ज्यादा उन्हीं समस्याओं पर हो है कि जिस दिन हम चेयरमैन जनता द्वारा बनाए गए तो निश्चित तौर पर उन समस्याओं का निदान करेंगे, हल करेंगे। लगातार आप फतेहगंज पश्चिमी कस्बे में अपनी पत्नी जयंती सिंह के लिए वोट मांग रहे हैं, तो जनता का कितना समर्थन मिल रहा है? बहुत बड़ा समर्थन मिल रहा है और हर गली, हर मोहल्ले और हर वार्ड से बंपर वोट जिसे बोलते हैं, कि प्रत्येक जाति समुदाय का वोट हम लोगों को मिल रहा है और जन समर्थन भरपूर मिल रहा है, पूरा जनता का प्यार मिल रहा है। सभी समाज के लोग आपसे, सर्व समाज के लोग हमसे जुड़े हुए हैं और सारे लोग पूरी तरह से मन से पूरी निष्ठा से काम करके हम लोगों को जिताने का काम करने का प्रयास कर रहे हैं। अगर फतेहगंज पश्चिमी की जनता ने आपकी पत्नी को चेयरमैन चुना और चेयरमैन बनी, तो क्या क्या वो आपने खाका तैयार किया, किस तरीका से सबसे प्राथमिकता रहेगी विकास कार्यों की? विकास कार्यों की निश्चित मान के चलिए कि विकास कार्यों की जो समस्याएं हैं वो पूरी तरह से दूर होंगी। मार्केट में बिजली की बढ़िया व्यवस्था, जो ओपन लाइन है कस्बे में वैसे तो लगभग है नहीं, और जो है उनकी समस्या खत्म की जाएगी। कुछ ओवरहेड लाइनें जो अभी हैं उनकी समस्या खत्म की जाएगी और प्रत्येक खंभे पर लाइट लगेगी, हर गली में बढ़िया सीसी रोड चलने के लिए विकास का ऐसा खाका तैयार जो किया है वो निश्चित तौर पर फतेहगंज पश्चिमी कस्बे में एक जो दिखाई देगा वो देखने लायक होगा। जानकारी मिल रही है कुछ गरीब हैं, उनके आवास नहीं है, वृद्धा, विकलांग, विधवा पेंशन भी नहीं है, तो उसको लेकर आपका क्या रहेगा? निश्चित तौर पर जिनके हम गली गली मोहल्ले मोहल्ले जा रहे हैं और प्रत्येक घर में जा रहे हैं और देखा जो पात्र हैं उन लोगों को आवास नहीं मिल पाए हैं और जो अपात्र हैं बहुत सारे लोगों को आवास मिले हैं, तो पहली प्राथमिकता हमारी रहेगी जो पात्र हैं उनको सबसे पहले, चेयरमैन बनने के बाद प्रयास रहेगा कि सबसे पहले जितनी भी योजनाएं हैं सरकार की वो उनको प्राथमिकता के तौर पर दिलवाई जाएंगी। इसके अलावा कुछ गरीब युवा हैं, इनके पास पैसे नहीं है, तो मोबाइल में नेट कराने के लिए भी उनके पास पैसे नहीं रहते हैं, तो ऐसे में अगर आपकी पत्नी चेयरमैन बनी तो नगर पंचायत में जो वार्ड है तो वाईफाई की क्या आप सुविधा उपलब्ध कराएंगे वहां? प्रयास करेंगे, क्योंकि ये तो जब चेयरमैन बनेंगे तो उसके आधार पर हम करेंगे, लेकिन एक सबसे बड़ी बात है पूरे कस्बे को सिक्योरिटी के हिसाब से हमारा प्रयास रहेगा कि जो सीसीटीवी कैमरों में एक बढ़िया खाका तैयार करके पूरा कस्बे को सीसीटीवी कैमरा लगा के सिक्योरिटी के पर्पज से हम उसमें विकास का काम करने का काम करेंगे। चुनाव नजदीक है, 11 मई को मतदान होना है, तो अपने फतेहगंज पश्चिमी जनता के लिए क्या संदेश है? मैं सबसे यही आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि मैं सबके साथ हर पल खड़ा रहा हूं, उसी का एक निवेदन करते हुए मैं सभी लोगों से यही कहूंगा कि जो हमारा चुनाव चिन्ह पहिया है उस पर मोहर लगाकर और हमको सफल बनाए, जयंती सिंह को सफल बनाए, जिससे जो है इस कस्बे का विकास के जो पहिया हमें चलाना है वो हम आगे बढ़ा सकें।